नमस्कार, आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। हमें कीति लेकर हाजिर हूँ देश और दुनिया की तमाम खास खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। और इस वक्त की बड़ी खबर बलिया से सामने आ रही है, जहां दुष्कर्म मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। 2 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, मासूम की हालत गंभीर, अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। रेस्ती थाना क्षेत्र का मामला। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पीएम मोदी ने नैनीताल के किसान को लिखा पत्र। हर समस्या के समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्ध, बोले पीएम मोदी। बीच से बाजार तक हर समस्या हल करने की बात कही है किसान के पत्र पर। प्रधानमंत्री मोदी ने भी लिखा पत्र। वहीं नैनीताल के किसान ने पीएम मोदी को बधाई दी थी। बता दें कि फसल बीमा योजना के 5 साल पूरे होने पर उन्हें बधाई दी गई थी। किसान के नमो ऐप के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पीएम मोदी ने नैनीताल के किसान को लिखा पत्र। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त की मथुरा से सामने आ रही है, सपा जिला अध्यक्ष समेत 4 नेता गिरफ्तार। घाट का लोकार्पण करने का लगा आरोप, सपा नेता ने जबरन किया था लोकार्पण। सीएम से पहले सपाइयों ने किया था लोकार्पण। वृंदावन कोतवाली में दर्ज हुई थी FIR। तो मथुरा से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। अगली बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से सामने आ रही है, 1 अप्रैल से 2 पालियों में खुलेंगे राजधानी के प्री स्कूल। छोटे बच्चों की कक्षाएं 1.5 घंटे के लिए होंगी। 2 शिफ्ट में बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा। 1 बैच में कुल 10 बच्चे ही बैठेंगे। तो 1 साल से लखनऊ के 1200 प्री स्कूल बंद है, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। एक अप्रैल से 2 पालियों में राजधानी में प्री स्कूल खोलने की तैयारी की जा रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ना हिंदू में हूं ना मुसलमान में हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, हर इंसान में मैं हूं। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूं। सुबह की प्रार्थना में हूं, शाम की आजान में हूं। रविशंकर की सितार की आवाज में हूं, बिस्मिल्ला की शहनाई की गूंज में हूँ। हमीद की दहाड़ में हूँ, भगत के बलिदान में भी मैं हूँ। नवरातों के व्रत में हूँ, रोजे और रमजान में मैं हूँ। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में मैं हूँ। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। कहीं टूटी सड़कें तो कहीं बने पक्के मकान, किसी ने पेश डाला अपना ईमान, तो कहीं प्रधान पर जनता को अभिमान, कहीं भ्रष्टाचार ने बिगाड़ा जनता का हाल, तो किसी ने